नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हम CBSE 5th क्लास वर्ल्ड एग्जाम और दोस्तों आज की एक्सरसाइज 7A। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो का आप एंड तक जरूर वॉच करें। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं ट्रिकी सॉल्यूशन बहुत ही शानदार वे में आपको बता के इस एक्सरसाइज को चुटकियों में हम सॉल्व कर देंगे और उतना ही शानदार आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच करें। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक दिया गया है जिस चैनल का नाम है अवर स्टडी। तो मेरे कहने पर यानी कि जो स्टूडेंट्स मेरा कहना मानते हैं वो एक बार उस लिंक के थ्रू उस चैनल पर जाना और वहाँ पर जो भी वीडियोज़ आपको मिलेगी ना, ठीक है, उनको वॉच करके देखना। यदि वो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आपके अकॉर्डिंग उनमें क्या अच्छा है क्या कमी है वो सब कुछ भी आप उन्हें कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइज, इतना काम भी आपको करना है। चलिए अब करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर एक, पहले का पहला, ठीक है। यानी कि एक के जी में ये पूछ रहा है कितने ग्राम होंगे, ठीक है। एक के जी में कितने ग्राम होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूँ नीचे, आ जाइए यहाँ पे। एक के जी यानी कि एक किलो, यानी कि यहाँ से मुझे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके मुझे यहाँ तक आना है। लीटर होगा, ग्राम भी हो सकते हैं, ये तीन मूल इकाइयाँ होती है, लीटर मीटर ग्राम। तो यहाँ से मुझे यहाँ तक आना है, कितने कदम चलूँगा, एक दो तीन, तीन कदम राइट साइड यानी कि गुणा करवाऊँगा, तीन बार दस यानी कि 1000 से गुणा, 1000 से गुणा करवाऊँगा मैं एक को, तो मेरा जो आंसर है ना वो 1000 ग्राम आ जाएगा यहाँ पर। तो अब बताइए आपको कोई दिक्कत है तो, ठीक है, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, एक डेकामीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो आ जाइए वहाँ पे, नीचे दिखाता हूँ आपको डेकामीटर, ठीक है ना, ये बिल्कुल आराम से देखना, समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है। तो ये है गाइज आपका डेकामीटर, ये यहाँ पर ये है डेकामीटर, और इससे आपको कहाँ पर आना था, इससे आपको आना था मीटर में यानी कि इसमें। तो इसके लिए आपको एक कदम चलना है यानी कि 10 से गुणा करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक डेकामीटर बराबर आपका कितना हो जाएगा, आप खुद बता सकते हैं मुझे कि 10 मीटर्स हो जाएगा। 10 मीटर्स विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस फैंटास्टिक क्वेश्चन। अब गाइज आगे आ जाइए, 1 सेंटीमीटर 1 mm। अब देखिए, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है ना, जो कॉलम है ना वो बिल्कुल पास पास है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो एक बार फिर से 10 हो जाएगा, यानी कि एक कदम राइट साइड चलोगे आप तो, ठीक है। तो गाइज अब आगे देखिए, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये आप करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 1000, ठीक है। मुझे तो सीधा याद है क्योंकि मेरे माइंड में ये जो इमेज है ना वो जल्दी बनती है, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा है। आप करोगे तो आपके भी बन जाएगी। 1 डेसीग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, ठीक है। तो आपको एक कदम चलना पड़ रहा है, तो 10 सेंटीग्राम होते हैं, बस सोचने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, डेसीग्राम और सेंटीग्राम में, ये तो है डेसीमीटर, अब ग्राम मान लेना यार, ठीक है, इतना ही। तो एक कदम चल रहे राइट साइड, तो 10 से गुणा करवा दो बस, ठीक है। आगे आ चुका है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर तो हेक्टोमीटर में डेकामीटर पूछ रही है हमसे, तो हमें कितना चलेगा, आ जाइए यहाँ पे, ये रहा आपका हेक्टोमीटर, ठीक है, ये रहा डेकामीटर, ठीक है। हेक्टो से डेका ही है ना, डेका है, 10 चलना पड़ेगा बस आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 10 है वो आपका राइट आंसर हो जाए, यदि यहाँ पे 2 होता तो 20, 3 होता 30, 4 होता 40, आंसर हमारा भी हो जाता, ठीक है गाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, एक वीडियो मेरा बना गया है यूनिट कन्वर्जन के नाम से, उसको जाके आप ज़रूर देखना क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसे प्लीज़ 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 वॉच करना, ठीक है ना, क्योंकि उस वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है जो कि आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी में काम आने वाला है, मैथमेटिक्स में। तो मेरे कहने पर आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, उसका नाम है यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। ट्रिक नाम भी लिखा है, तो यूनिट कन्वर्जन की मैं उसमें ट्रिक बता रहा हूँ आपको, यही ट्रिक है, बट उसको शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको गणना करके इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है। लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक इज सेंटीमीटर, यानी कि यह कितने सेंटीमीटर है मैथ्स की बुक, ठीक है। तो अनुमान से आपको मैथ्स की बुक का सेंटीमीटर में अनुमान लगा के बताना कि ये इतने सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं यार इसको करता हूँ कितना, 25 कर दे, चलो 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि मैं आपको दिखाऊँ ना कि बुक्स कितनी लंबी है, तो ये आपने स्केल देखी होगी, ये स्केल कितनी होती है, यह कि होती है आपकी 15 सेंटीमीटर की, देख लीजिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की होती है, नज़दीक से दिखा, अब दिख रहा है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतनी और। तो बुक लगभग मैं बताऊं, सही है यार, मैंने सही बताया आपको, 25
कोई दिक्कत नहीं है, 25 भी कर सकते हो, 30 भी आप कर सकते हो, ठीक है, बट इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है ना। दिक्कत तो नहीं है लेकिन बुक की यार लंबाई इतनी होती है, वो लेंथ जो होती है। आगे देखिए, योर हाइट इज़ इतना मीटर एंड इतना है, तो मेरी जैसे कि 173 सेंटीमीटर है, मेरी हाइट 1 मीटर 73 सेंटीमीटर है, किसी की 175 सेंटीमीटर हो तो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ योर स्टडी रूम इज, आपके जो स्टडी रूम है उसकी हाइट कितने मीटर है, तो गाइस मैं बता दूँ मेरे रूम की जो हाइट है ना वो 4 मीटर है, किसी की 3 होगी तो किसी की 5 होगी, 6 7 से ज़्यादा किसी का नहीं होगा, ठीक है ना। चाहे ऑडिटोरियम होते हैं उनमें भी यार 8 9 तक जाता है, तो ज़्यादा आप वैसे मत करना, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, द वेट ऑफ एन एलिफेंट, यार इसका अनुमान कौन लगाए, एलिफेंट का वेट कितना होता है आप बताइए। अब मैं यदि देखूँ तो ये गाय होती है ना, गाय का आप 2 क्विंटल मान लीजिए, एलिफेंट इससे 4 गुना मानो आप, 8 क्विंटल कर दो, चलो 8 क्विंटल का मतलब 800 kg, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट देखिए, योर फादर्स हाइट इज इतना मीटर एंड इतना सेंटीमीटर, तो मेरे जो फादर है उनकी हाइट है 178, तो 1 मीटर और 78 सेंटीमीटर, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कैपेसिटी ऑफ अ बावल इज 250 ml, कोई ज़रूरी नहीं आप 100 ml 200 ml 50 ml भी कर सकते हो, मैंने खुद की रिकॉर्डिंग किया, ठीक है, क्योंकि इनके आंसर आपको नहीं मिलेंगे पीछे, अनुमान से यार अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी ये चीज़ें, अलग अलग मेजरमेंट की। द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल, तो मेरे घर से जो स्कूल की जो डिस्टेंस है ना वो कितने मीटर है, वैसा मेरी तो है 500 मीटर, ठीक है ना, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उसकी डिस्टेंस इतनी थी, ठीक है। आपकी कितनी हो वो आप लिख देना मीटर में ही बताना, यदि 2 किलोमीटर हो तो 2000 मीटर लिखना आपको यहाँ पे। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ चुके हैं, यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में इसको करने वाले। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ए व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो मैं आपको बता दूंगी लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना वो है आपकी मीटर, तो METRE मीटर, ठीक है, जिसे किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से। अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लोवेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी कैपेसिटी यानी आयतन में आ गए, आयतन यानी कि लिक्विड में आ गई, लिक्विड की यदि हम बात करें तो लिक्विड में होता है लीटर, लीटर में जो सबसे छोटी यूनिट है ना वो होती है आपकी ml, मिली लीटर, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख दें MILLI मिली लीटर होता है, तो LITRE बस हो चुका गाइज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये कैपेसिटी के लिए आप ध्यान रखना, लीटर लीटर में माफी जाती है कैपेसिटी। आगे देखिए, हाउ मैनी लीटर्स मेक 1 किलो लीटर, किलो नाम आते हैं पिछले वाली राशि इसके पीछे लगी वो 1000 हो जाती है, यानी कि 1000 लीटर, LITRES लीटर्स, क्लियर। आगे देखिए, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो मास की स्टैंडर्ड यूनिट मुझे पता है क्या है, ग्राम है, लीटर मीटर ग्राम है, 3 ही है, बस आप इन पे फोकस रखो और कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि है ही नहीं तो पूछे कहाँ से। हाउ मैनी डेकाग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, ठीक है, तो गाइज आ जाइए नीचे वाले में हमारे, ये तो आपका डेकाग्राम ये, ठीक है, इससे आपको आना किलो में, तो आप कितने कदम चल रहे हो, 1 2 2 कदम चल रहे हो, कितने कदम चल रहे हो गाइज, आप चल रहे हो 2 कदम, यानी कि 100, ठीक है, और छोटे से आप हाउ, एक बार पढ़ दो, हाउ मैनी डेकाग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितने बनाते हैं, तो 100 डेकाग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनाते हैं, तो ये है यहाँ पे आपका 100, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मैनी मीटर्स मेक 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सीधी सी बात है तो 100 होते हैं, आप खुद देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ये मीटर और ये हेक्टो में आना मुझे यहाँ से, 2 कदम 1 कदम 2 कदम चल रहा हूँ, इसलिए 2 बार 10 10 गुणे, यानी कि 100 मेरा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अंदर गाइज आपने इस वीडियो को पूरा किया तो बहुत अच्छी बात है, एंड तक वॉच करने के लिए, मैं यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरी की पूरी, कई बार एक्सरसाइज में लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरे पास में जो ये आपका कंटेंट आ रहा है ना ये बिहार से आ रहा है, मैं खुद राजस्थान से हूँ तो मेरे पास यार इसका कंटेंट नहीं है, मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ कि आप इमेज सेंड कर दो तो मैं बना दूंगा, वो यदि टाइम से कर देता तो मैं टाइम से बना देता हूँ, और लेट होती है तो मैं लेट बना देता हूँ, यार जैसे मुझे जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उतनी ज़रूर करूँगा, उसमें किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ब्यूटी टिप्स है वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप उन पर बिलीव कर सकते हो, क्योंकि यार मैंने सब कुछ जाँच परख के चैनल पर लिया है उन्हें, ठीक है ना, ये मतलब नहीं है कि कहीं आपका फेस खराब कर दे, नहीं गाइस बिल्कुल आपके साथ में सही तरीके से
फेस आएंगे, कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं बताया जाएगा आपको, वो चाहे हेल्थ की दृष्टि से हो या फिर एजुकेशन की दृष्टि से। तो सीधी सी बात है कि वो जो आपको टिप्स बताई गई थी ना, ब्यूटी टिप्स, वो रियल है, सही है, ठीक है। आप पे एक बार में अप्लाई ना हो तो आप 2-3 बार करके देखो उसे, हाथ और पैर पे अप्लाई करके देखो। हाथ और पैर पे यदि वह अप्लाई होता है आपके लिए, सही रिजल्ट आपको देता है, तब जाके आप उसे फेस पे अप्लाई करो। पहले फेस पर अप्लाई नहीं करना, चाहे वह कितनी भी सही हो और कोई भी बताए। ये मेरा आपको पर्सनल सलाह मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ताकि यार आपका फ़ायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।